घर के बर्तन तक बेच दते सी। मैं कोई यह जहा टाइम आया सीगा, मैं अपने परिवार का जो भी मैं कुछ भी मिलता सीगा मैं वो बेच के नशा कर जाता सी। मैं यही कहना गा भी नशा छड़ो, जे तुहाडे कोलों नहीं छड्या जांदा तां डेरा सच्चा सौदा दे विच आओ। सिर्फ 7 दिनां दे विच रहण नाल सेवा सिमरन करन दे नाल इत्थे नशा छड्या जांदा है। हांजी गुरु जी भी कहिंदे नेगे ते राम नाम दा नशा जो कर लैंदा ना वह दुबारा नहीं उतरदा हैगा, कि उह दूजे नशे करे तां 1-2 दिन बाद 2 घंटे बाद उतर जांदे ने। नमस्कार, सच कहो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ एम के शायना। आज सच कहो की टीम पहुँची है डेरा सच्चा सौदा रूहानी धाम राजगढ़ सलाखपुरा में, जहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के स्थापना माह के उपलक्ष में पावन भंडारे का आयोजन किया गया है। ये पावन भंडारा साध संगत बड़ी धूमधाम से मना रही है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि साध संगत का लगातार पावन भंडारे में आना जारी है। सर आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम इंसा है जी, मैं मानसा पंजाब तो आया जी। सर जैसे डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद करोड़ों लोगों की जिंदगियां बाहर बन गई, आपकी लाइफ में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से क्या तब्दीली आई है? नशा छड़ने तो बाद मेरी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया जी। जिमें कि उस तो पहला मेरे शरीर में बहुत ही तरह बीमारियां, जिमें कि मैं नशे का इस्तेमाल करने के नाल इंजैक्शन लगाने के नाल मैं हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम हो गई, जिदे नाल मेरे शरीर के बहुत कमजोरी आ गई सी। पर उस तो बाद मैं गुरु जी द्वारा दस्या होया नाम सिमरन का अभ्यास करन तो बाद मेरे विच बहुत तब्दीली आई। मैं हुण शरीरक तौर पर भी फिट हाँ, कामकार भी कर रहा। उस तो पहला तो की सीगा जो भी घर के बर्तन तक बेच दते सी। मैं कोई यह जहा टाइम आया सीगा, मैं अपने परिवार का जो भी मैं कुछ भी मिलता सीगा मैं वो बेच के नशा कर जांदा सी। अज मैं मेहनत का काम कर रहा गा ते अपने परिवार का पेट भी भर रहा गा, ते अज बहुत सौखा गा, पहला नालों बहुत ज़्यादा मेरी जिंदगी दे विच बदलाव आ गया। मैं यही कहना गा भी नशा छड़ो, जे तुहाडे कोलों नहीं छड़ा जांदा तां डेरा सच्चा सौदा दे विच आओ। सिर्फ 7 दिनों दे विच रहण नाल सेवा सिमरन करन दे नाल इत्थे नशा छड़ा जांदा है, ते तुहाडी जिंदगी च बदलाव आऊगा एक दिन जरूर, ते तुसी बहुत ही वधिया महसूस करोगे, क्योंकि मैं अज बहुत सौखी जिंदगी जी रहा, मैनू बहुत वधिया लग रहा है। नशा करना ही हाँ तो राम नाम का करो। हाँ जी गुरु जी भी कहिंदे नेगे ते राम नाम का नशा जो कर लैंदा ना वो दोबारा नहीं उतरदा हैगा, कि वह दूजे नशे करे तो 1-2 दिन बाद 2 घंटे बाद उतर जाते हैं, पर राम नाम का नशा है जो कदे नहीं उतरदा हैगा। मैं हुण नशा करदांगा, राम नाम का नशा करदांगा, मानवता की भलाई के काम करते हैं। भैया आज स्थापना माह के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है, तो आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नशे में लिपित हैं? जैसे आपकी जिंदगी नशा छोड़ने के बाद बाहर बन गई है, तो आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो जी यही संदेश है, साढ़े गुरु जी भी नशा तो दूर रहने लिए प्रेरित करते हैं भी नशा तो दूर रहो, अपने सेहत का ख्याल रखो, हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि जो बंदा नशा करता गा उन्होंने ना तो अपने परिवार का ध्यान रहा, ना माँ बाप का, ना किसी भी तरह का।